ये मैगजीन आ गई ना, इसी में राइट तुम्हारा है यस ना? प्लीज आ गया, शुड बी देयर। पेज 17, व्हाट पेज इज दिस? आई कैन't इवन सी। ये पूरा इशू ही इसी पे है ना? किस पे है ये वाला पूरा इशू? पेंटिंग एंड आर्ट आर्टिस्ट। ओके, एक बात बोलो, ये क्या ये आर्ट वर्ल्ड में ये नया चेंज है कि पेरेंटिंग को लेके लोग अलग अलग नज़रिए से देख रहे हैं चीज़ों को? ओह एक्चुअली टिल वेरी रीसेंट पीपल, आई मीन द बिग पीपल एडवाइज द यंग इमर्जिंग आर्टिस्ट दैट डोंट मैरी, डोंट हैव किड्स, बिकॉज दैट वे यू विल बी ट्रीटेड मोर एज ओह शी इज़ नॉट सीरियस। But in last few decades, not last few years technically, the whole atmosphere is changing where women, mothers and parents, artists are also treated with equal seriousness. आज हमें एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे पता चला कि हाय मेरा जाना 19th सेंचुरी में तीन ही महिलाओं को, तीन महिला उपन्यासकार ही आ पाई मतलब, और उन तीनों महिला उपन्यासकारों का सबसे कॉमन बात क्या था पता है? क्या? कि उनके बच्चे नहीं थे। सो यू गो बैक इवन नाउ कंटेम्पररी टाइम यू वोंट सी मेनी वेमेन, मोस्ट ऑफ द वेमेन दे डोंट हैव किड्स, इवन इफ दे हैव यू वोंट नो वेयर दे आर। सो इट्स अ वेरी रीसेंट डेवलपमेंट वेयर आई मीन आई टुक माई चाइल्ड to every opening I went to and people are like, wow, you carry your child to every opening, every talk and everything. I say yes, I mean I can't leave my child, this is my first responsibility, and he just walked out from his bed, which is very funny, but this is how it has been. I mean, we got to change this whole culture, this atmosphere of woman with a child is not a serious woman or a serious professional. मैंने ओवरटली कर रहे हैं मतलब, जो लाइफ में जैसा बच्चा है तो आ रहा है तो आ रहा है, यानी हम एक मेरा अपना ऐसा कि ओवरटली भी रहता है कि नहीं हम अपने बच्चे को लेके ज़बरदस्ती। ओह वेल इफ आई वुड हैव एन ऑप्शन आई विल डेफिनेटली वांट टू लीव माय चाइल्ड इन अ मोर केयर केयर प्लेस, बट आई डोंट हैव एन ऑप्शन।